जैसा कि हम लोग काफी दिन से टेंस के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, टेंस की जानकारी सही तरीके से यदि आपके पास हो जाएगी तो वाक्यों को लिखना, स्ट्रक्चर ऑफ दी सेंटेंसेस, पैटर्न्स, नरेशंस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में ग्रामेटिकल की जो भी एक गुड अप्रोचेज है, गुड एक सिस्टम है, टेक्नोलॉजी है, सही तरीके से आपको ज्ञान इसका हो जाएगा। इसी के अंतर्गत मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये दोनों सेमेस्टर के लिए है, ये सिलेबस पाठ्यक्रम में दोनों ये समाहित है, सेकेंड सेमेस्टर के लिए भी, ये फोर्थ सेमेस्टर के सब के लिए उपयोगी। और ग्रामर तो चाहे वो बच्चे छोटे हो चाहे वो बड़े हो, किसी भी लेवल पर आप चले जाएं तो ग्रामर की आवश्यकता को हम कभी भी इनकार नहीं कर सकते। तो हम कहते हैं जैसे कि हम किसी भी वाक को शुरू करने से पहले, सबसे पहले हम उस वाक की पहचान को हम बताते हैं। कोई भी शिक्षक, कोई भी इंस्ट्रक्टर, कोई भी शिक्षा को देने वाला शिक्षा शास्त्री सबसे पहले ये बताने का प्रयास करता है कि उस चीज में कैसे उसको हम पहचानेंगे, कैसे उसको हम जानने का प्रयास करेंगे कि वो चीज है क्या चीज। तो पहचान पॉइंट देखा जाए, इनके वाक्य के अंत में रहेगा, रहेगी, रहेंगे आदि आता है, ठीक है, रहोगी, रहोगे, ठीक है, ये सब चीजें आती हैं। तो हम इस बात को पहचान लेते हैं कि ये वाक्य जो है, क्योंकि ये वाक्य दो चीजों से मिलकर बना है, रहा जो शब्द भी है जो कॉन्टिन्यूअस का ये द्योतक है या इशारा करता है, और गा जो है फ्यूचर टेंस के लिए, ये टेंस को बताता है। जैसा कि ये नाम से ही हम इसके उच्चारण से ये समझ जाते हैं कि ये इसमें दो कालों का जो है समावेश है। इन दिस वर्ड टू टेंसेस इज टू बी इंक्लूडेड, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूअस मिस अन इनकम्प्लीट, और नेक्स्ट आपका जो होता है वो है जो है फ्यूचर टेंस, जैसे गा, गी, रहा, दोनों इसमें समाहित है। अब अनुवाद कैसे बनाते हैं, अनुवाद बनाने के नियम, अनुवाद बनाने के लिए सबसे जो चीज फ्यूचर का जो भी टेंस होता है, फ्यूचर के बारे में जो भी टेंस कहीं भी आपसे संबंधित आता है तो निश्चित शैल और विल का प्रयोग होगा, आई और विल के साथ शैल का प्रयोग होगा, और शैल हैव बीन आई आई और वी के साथ शैल हैव बीन तथा शेष बाकी के साथ के साथ विल हैव बीन सहायक क्रियाओं का प्रयोग करते हैं, और इनके मुख्य जो अंग्रेजी का जो मुख्य वर्ब है, मेन वर्ब होता है, उसमें हम आईएनजी का प्रयोग अवश्य करते हैं, और द फिक्स ऑफ द टाइम्स होता है जो सो जो जैसे कि निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं, अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। तो ये सब चीजें फंडामेंटल चीजें आपने कॉन्टिन्यूस में पढ़ा है, परफेक्ट में भी पढ़ा है आप, और आप प्रेजेंट परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस भी इसको आप जानने का प्रयास कर रहे हैं। लगभग बहुत चीज में इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, सही तरीके से पढ़ा जाए समझा जाए तो आपको सही तरीके से समझ में आएगा। अब सबसे पहले चलते हैं दो घंटे से स्कूल जा रहा होगा, ठीक है, आप इसको कैसे बनाएंगे फिर से देखिए, आई शैल हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर टू एच ओ यू आर एस, ठीक है, आई शैल हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर टू आवर्स। नेगेटिव सेंटेंस में लिख लिया जाए कि वह
तीन बजे से स्कूल नहीं जा रहा होगा, ठीक है। तो ही विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 3:00 PM, ठीक है। ये हो गया, फिर ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया, आपका ये नेगेटिव हो गया। फिर हम पढ़ाते हैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सीमा 4 बजे से भोजन पका रही होगी, ठीक है। तो फर्स्ट से कर्ता अनुसार विल पहले आ जाएगा, विल सीमा, विल सीमा हैव बीन कुकिंग मील for OCLO CKS, ठीक है। ये हो गया, फिर देखिए इंटरोगेटिव नेगेटिव, INTEROGATIVE नेगेटिव सेंटेंस, NEGATIVE SENTENCES, ठीक है। इसमें वही बात, जैसे सीमा क्यों नहीं, सीमा क्यों नहीं 2 घंटे से स्नान कर रही होगी। तो फर्स्ट से प्रश्नवाचक चिन्ह पहले आ जाएगा, वाई विल सीमा नॉट हैव बीन बॉथिंग फॉर 2 hours, वाई विल सीमा नॉट हैव बीन बॉथिंग फॉर 2 hours। तो आज मैंने अपने वीडियो के अंतर्गत मैंने ये चीजें आपको बता दी, जो आपको बताया गया। कहीं से इसमें कोई दिक्कत हो तो इसमें आप हमसे सही तरीके से इसको हम पूछ सकते हैं। यूज ऑफ इट, जैसा कि अक्सर आपने देखा होगा ग्रामर में या अनुवाद बनाते समय, कभी भी ऐसा भी समय आता है जब आपके वाक्य में कर्ता का स्थान ही नहीं होता। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी वाक्य, कोई भी सेंटेंस तभी बनेगा, कोई भी कार्य तभी संपादित होता है जब उसको कोई करने वाला व्यक्ति होता है। उस दशा में यदि कोई कर्ता नहीं है तो यदि कर्ता का उपयोग एक वचन में करना है तो वहां पर वाक्य को हम इट से हम शुरू करते हैं। जैसे कहा जाए कि यह एक हाथी है, तो फट करेंगे इट इज एन ELEPHANT, ठीक है, हो गया। नेगेटिव बनाना है तो सहायक क्रिया के बाद सिर्फ नॉट का प्रयोग कर देते हैं, नेगेटिव बन गया। इंट्रोगेटिव बनाना है तो कर्ता, चूंकि इट का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है तो कर्ता एक वचन, तो इट क्या या एक हाथी है, तो फर्स्ट से इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या कर देंगे कि इज इट, इज इट एंड ELEPHANT इट इज एन एलिफेंट। ये हो गया, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव कहा जाए कि यह हाथी क्यों नहीं है, तो वाई, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखिए वाई, वाई इट इज नॉट
and ELEPHANT. Why it is not? हो गया जो मैंने आपको बता दिया। और इसका उपयोग कहां किया जाता है? तो विभिन्न तरीके से हम करते हैं, जैसे कि छोटे जीव जंतुओं के लिए, छोटे बच्चों के लिए। जैसे कहा जाए यह एक बच्चा है तो इट इज ए चाइल्ड। समय के बारे में देखा जाए, जैसे कहा जाए अभी 7 बजे हैं, अभी 7 बजे हैं, फर्ज हो जाएगा इट इज 7 o'clock नाउ। नाउ को चाहे पहले लिख दें चाहे नाउ को आप बाद में लिख दें, उसमें कोई अंतर नहीं है। इट इज 7 o'clock नाउ, नाउ इट इज 7 o'clock। ऋतुओं और मौसम के बारे में देखा जाए, जैसे इट इज स्प्रिंग सीजन, इट इज S-P-R-I-N-G स्प्रिंग, S-E-A-S-O-N स्प्रिंग सीजन्स। समय के लिए, ऋतुओं के लिए, मौसम के लिए, जलवायु के लिए, छोटे बच्चों के लिए, ठीक है। ऐसे सिंगुलर नंबर में, एक वचन में इनका उपयोग जो है अक्सर किया जाता है, जो मैंने आपको बताया। जैसे दिन के महीनों, साल के मंथ के महीनों में जैसे कहा जाए इट इज जुलाई टुडे, टुडे इज, या इट इज फ्राइडे, FRIDAY फ्राइडे टुडे। तो इस सब चीजों में इनका उपयोग किया जाता है, समय बताने के लिए, मंथ बताने के लिए, फिर सन बताने के लिए। जैसे इट इज, जैसे कहा जाए इट इज 9th July 2020, यह 9 जुलाई सन 2020 है। इसका उपयोग इसमें जो ऐसा किया जाता है, ये सब चीजें सामने आपके आती हैं। हम करते हैं देयर का प्रयोग भी हम इट की ही भांति करते हैं। इसका एक वचन में भी उपयोग होता है और इनका बहुवचन में उपयोग होता है। सिंगुलर नंबर में भी हम इसका उपयोग करते हैं, ये भी जो है, और प्लूरल नंबर में इसका उपयोग करते हैं। जैसे वाक्य की संरचना हो, जैसे वाक्य की रिक्वायरमेंट्स हो, जैसे वाक्य क्या वो चाहता है, किस तरीके से अनुवाद उसको बनाना है, उस हिसाब से हम उसको उसके उस वाक्य के स्ट्रक्चर में उसको हम समाहित करते हैं, उसको हम उसकी सुटेबिलिटी को हम बताने का प्रयास करते हैं। जैसे कहा जाए कि हमने बताया कि यदि इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, वो अब जैसे कहा जाए कि तालाब में पानी नहीं है, तालाब में पानी नहीं है, तो फर्ज होगा देयर इज नो वाटर इन द, ठीक है, कमरे में विद्यार्थी नहीं है। ये तो एक क्वेश्चन में होगा, देखा जाए कमरे में विद्यार्थी नहीं है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया ये, प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस हो गया ये आपका, और ये नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, देयर आर No students in the class, कमरे में विद्यार्थी नहीं है। अब इंटरोगेटिव में क्या कमरे में विद्यार्थी क्यों नहीं है, नहीं क्या कमरे में विद्यार्थी नहीं है, क्या कमरे में विद्यार्थी नहीं है, तो आर देयर No student in the class, ये भी हो गया, मार्क ऑफ इंट्रोडक्शन लगा दीजिए। तो फिर देखिए घड़े में पानी क्यों नहीं है,
देखा जाए, आप एग्जांपल बता रहा हूं, कमरे में पानी क्यों नहीं है? ठीक है, तो वाई वाई देयर इज नो वाटर इन द पिचर, पी आई टी सी एच ई आर, घड़े में पानी क्यों नहीं है? Why there is no water in the picture? ठीक है, तो ये सब चीजें मैंने आपको टेस्ट संबंधित चीजें मैंने आपको बता दी। और कल बच्चों मेरे इस वीडियो लेक्चर में कहीं भी कोई आपको दिक्कत हो तो आप मुझे जानने का प्रयास करिएगा जो मैंने आपको बता दिया। कल फिर आपको मैं शुरू करूंगा न्यू टॉपिक्स, एक्टिव एंड पैसिव।